नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। कटिहार में बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव कल अग्निवीरों पर दिए गए बयान पर सफाई देते हुए मीडिया पर ही तोड़ मरोड़ कर बयान को प्रसारित करने का आरोप लगाया है। कटिहार के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव ने बयान में कहा है कि वह खुद बचपन से सेना में जाना चाहते थे, लेकिन वह संभव नहीं हुआ और लोगों के आशीर्वाद से राजनीति में हैं। उनके परिवार के कई लोग आज भी सेना में हैं और उनका पूरा परिवार सेना का सम्मान करता है। किसी भी तरह से सेना को ठेस पहुंचाना उनकी मंशा नहीं रही है। उन्होंने अग्निवीरों की 4 साल की नौकरी को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए एक बार फिर अग्निवीर व्यवस्था पर सवाल उठाया है। एक बात जानना चाहते हैं कि कटिहार के डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कटिहार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। जहां कटिहार है एक माचिस के डब्बा में 52 तिल्ली, कटिहार आज तक वही है। तो जब तक ऐसे सोच वाले जो मीडिया रहेंगे और इससे ऊपर नहीं कटिहार को बढ़ने देंगे, तो कटिहार के जो जूट मिल लीलाम हो गया इन्हीं लोग के वजह से, यही लोग दोषी हैं। कितना पैसा मिला होगा जो बहुत तेजी से वो बेचे अपना न्यूज काट के कितना पैसा मिला होगा। ये लोग जो है कोई काम नहीं है मोदी मीडिया के। क्या हिंदुस्तान में से नरेंद्र मोदी या भाजपा ही हिंदू है? हम लोग हिंदू नहीं है। क्या इस देश के नेशनलिस्ट मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं या भाजपा है? हम लोग हिंदू नहीं, आप लोग हिंदू नहीं है। क्या इस देश में जो बात हम बोले हैं सेना के बारे में, 4 साल के नौकरी के बारे में, एक बात आप लोग बताइए, 4 साल की भी कोई भारत सरकार का नौकरी होता है? ऐसा नहीं लगता आपको कि हमारा बाल बच्चा, हमारा परिवार के बहुत अपमान हो रहा है? आपको एक बात बताते हैं, हम खुद नेशनलिस्ट हैं, हमारा जो दादा है 62 के लड़ाई लड़े हैं, हमारा दादा खुद 62 लड़ाई में शहीद हो गए, उसका पोता है, सेना के क्यों अपमान करेंगे? अभिनंदन, जब पाकिस्तान में पकड़ा गया था तो हम लोग को रैली था पार्टी का, सारा तैयारी हो गया, सारा व्यवस्था हो गया, उसको कैंसिल कर दिए अभिनंदन के पकड़ा जाने पर। क्या लगता है कि खाली भाजपा ही के लोग देशभक्त हैं, हम लोग देशद्रोही हैं, देश को नुकसान चाहते हैं, देश को अपमान करना चाहते हैं, सेना को अपमान करना चाहते हैं? मेरे परिवार में काफी लोग सेना में आज भी हैं और ढेर लोग मारे भी गए सेना में, श्रीलंका लड़ाई भी लड़े हैं, बांग्लादेश की भी लड़ाई लड़े हैं। मेरा परिवार के लोग, मेरा जहां गांव है वो गांव में एक या दो आदमी ऐसे बढ़े मैं नहीं जानता, उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, कोई कटाक्ष नहीं है। पर एक बात हमेशा याद रखिए, सेना भक्त है और सेना में ही हम पहले नौकरी करना चाहते थे, क्योंकि जहां मेरा गांव है वहीं आर्मी कैंटोनमेंट है। छोटा बच्चा में हम देखते थे कि आर्मी के पूरा परेड होता था, बहुत दौड़ होता था, आर्मी में ट्रेनिंग होता था गोली चलाने का, और बुलेट मोटरसाइकिल से बहुत तरह के उसमें एक्सरसाइज लोग करते थे, तो हमको अच्छा लगता था। हम सोचे इसी नौकरी के हम क्यों नहीं पकड़ लें, पर बनना था, पढ़ना था पॉलिटिक्स में, आगे पॉलिटिक्स में आपके आशीर्वाद से, लोग को आशीर्वाद से, बस कि हम खुद से नाम जानना चाहते थे। एक बात जानी, 4 साल का कोई नौकरी है, 4 साल के बाद एक भाजपा के नेता, हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, उसने कहा कि हमारे कंपनियों में ही नौकरी करेंगे, दरमानी के नौकरी, क्या कंपनी में काम देगा? वो इंजीनियर तो बना नहीं, डॉक्टर तो बना नहीं, वो तो बना हिंदुस्तान के सुरक्षा देने वाला, रक्षा करने वाला, रात दिन बॉर्डर पर जगने वाला, पहरेदार, लड़ने वाला आर पार के लड़ाई। तो लड़ने वाला जो इंसान आपके लिए जान निछावर करने के लिए तैयार है, तो उसको बाद में दीजिएगा कि तू हमारे यहाँ नौकरी करो चपरासी के, ये तो सेना का अपमान है। और इसी बात का हम विरोध करते हैं कि सम्मानजनक उसको नौकरी दो, सम्मानजनक उसको प्रतिष्ठा दो, और नौकरी जितना पहले मिलता था उतना दो। हाँ, अगर आवश्यकता अनुसार आप सेना में भर्ती कीजिए जितना आपकी आवश्यकता, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा देश के नौजवान को सेना में भर्ती कर लीजिए,
पर जितना आपकी आवश्यकता उतना जरूर कीजिए, ये हमारा भारत सरकार से अनुरोध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।